good afternoon, everyone. So myself, Dr. Navneet, I am taking care of physiotherapy department at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center. So today I'm going to speak on prevention and management of lymphedema after breast cancer surgery. What is the role of physiotherapy in this? So let's start with one epidemiology slide only. So as we all know, breast cancer is the most common cancer in women, and around 15.6% of all cancers in women, it is breast cancer. अगर हम ग्लोबोकोन डाटा की बात करें 2018 की तो वर्ल्ड वाइड 20 लाख से ज्यादा केसेस डायग्नोस किए गए ब्रेस्ट कैंसर के. और वही अगर हम भारत की बात की जाए तो इंडिया में मोर देन 5 लाख केसेस वर रजिस्टर्ड. सो एवरी ओवरऑल एवरी 1 in 28 वुमन इज लाइकली टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ये कम है. अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो 1 in 22 वुमन इज लाइकली टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर. तो सेकेंडरी लिम्फेडीमा सर ने पहले एक्सप्लेन कर दिया. लिम्फेडीमा एज वी ऑल नो लिम्फेडीमा क्या है, एक बिल्डअप हो जाता है हाई प्रोटीन लिम्फ फ्लूइड इन द टिश्यूज जस्ट अंडर द स्किन. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस लिम्फेडीमा, एदर वी कैन प्रिवेंट इट और एदर वी कैन मैनेज इट. सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. इंसिडेंस रेट की बात की जाए तो विद इन 2 years आफ्टर सर्जरी 5 to 56% chances are there to develop lymphedema. अगर हम axillary lymph node dissection की बात करें, the chances are more. अगर हम sentinel lymph node dissection की बात करें, the chances are less. जैसे सर ने बताया. So let's come on physiotherapy slide. So prevention strategies. Personally, I also always see that an ounce of prevention is always better than a pound of cure. तो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज में अगर अभी लिम्फेडीमा नहीं हुआ और अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होती है तो हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं कि लिम्फेडीमा या तो ना हो या कम से कम ग्रेड का हो. तो एक हमारा सबसे पहले आता है प्री हैबिलिटेशन, देन जनरल प्रिकॉशंस, एक्सरसाइजेस, पोजिशनिंग एंड पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग. ये 5 एस्पेक्ट है जिसको हम अपने यहाँ पर भी देखते हैं अच्छे से कि सर्जरी के एकदम तुरंत बाद हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं. तो प्रीहैबिलिटेशन क्या होता है, ये सारे एविडेंसेस हैं कि वेदर प्रीहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस, जनरल प्रिकॉशंस, पोजिशनिंग, पेशेंट फैमिली एजुकेशन, ये जरूरत है या नहीं है. तो हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस है, जर्नल्स में पब्लिकेशंस है जो कि कहते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है. तो जनरल प्रिकॉशंस की बात करें तो जनरल प्रिकॉशंस में आई हैव डिवाइडेड प्रिकॉशंस इनटू 3 टाइप्स, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, पार्शियल एडहेरेंस और कंटिन्यू विद एक्टिविटीज. अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होती है, अगर सपोज करो लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है, सेंट्रल लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है, सेंट्रल लिम्फ नोड डिसेक्शन में हमें प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही कम जरूरत होती है. इसको हम कहते हैं रिस्क रिड्यूसिंग बिहेवियर. हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, बट अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन हुआ है और टोटल डिसेक्शन हुआ है तो हमें इसको स्ट्रिक्ट एडहेरेंस की जरूरत है. अब क्या क्या हमें प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए जनरल प्रिकॉशंस में, एक तो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस हमें रखना है, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है उन पेशेंट्स को, प्रिवेंशन और इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन. अगर उस लिम में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसका इमीडिएट मैनेजमेंट होना चाहिए. पिक लाइंस और कैनुला उस साइड पे नहीं लगनी चाहिए थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. अवॉइड एनी टाइप ऑफ ट्रोमा. अवॉइड सोना बात इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और सेंसेशंस कभी कभार कम हो जाती है विद कीमोथेरेपी आफ्टर द सर्जरी एंड स्किन केयर इट इज वेरी मच रिकमेंडेड. अगर हम पार्शियल एडहेरेंस की बात करें तो बहुत सारी स्टडीज कहते हैं कि ब्लड प्रेशर उस आर्म से नहीं लेना चाहिए जहां पे सर्जरी हुई है जिस साइड पे, बट वो जो स्टडीज की गई थी वो बहुत ही कम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में करी गई थी. अगर हम ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू, तो हम इसको पार्शियल एडहेरेंस में रखते हैं कि हम इसको एज पर योर विश यू कैन इवन टेक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट टू दिस साइड एंड टू द अदर साइड ऑल्सो. पर अगर हम ब्लड ड्रॉप लेते हैं बहुत ही कम देर के लिए, अगर सपोज कर लीजिए हम शुगर मेजरमेंट करने के लिए पिन प्रिक करते हैं तो कोई मना नहीं है. तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम एयर ट्रेवल कर सकते हैं, वॉकिंग के लिए पेशेंट जा सकता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कर सकता है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज. तो सारी एक्टिविटीज पेशेंट कैन डू आफ्टर सर्जरी, बस उसको कुछ दिनों के लिए वेट करना होता है, 7 से 14 दिन के लिए.
7 से 14 दिन भी इसलिए क्योंकि जब ड्रेन रिमूव हो जाए, स्टिच रिमूव हो जाए, उसके बाद दे कैन कंटिन्यू विद दोज एक्टिविटीज, बट दे नीड टू टेक प्रिकॉशंस। तो हमने यही हम स्टडीज की बात कर रहे थे, तो ये हमारे एविडेंसेस हैं जो कि कहते हैं कि कितना हमें जरूरत है या नहीं है। अगर हम प्रोग्रेसिव वेट ट्रेनिंग की बात करें तो कोई लिम्फेडेमा बनने का उससे कोई चांस नहीं है। तो दीज आर सम स्टडीज। और भाई अगर हम एयर ट्रैवल की बात करी जाए तो एविडेंसेस बहुत ही कम है जो इसको सपोर्ट करे कि लिम्फेडेमा से होगा, जैसे बीपी मॉनिटरिंग हो गया। तो ये हो गया हमारे जनरल प्रिकॉशन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। अभी तक हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, प्री हैबिलिटेशन सेशन हमने दे दिया। प्री हैबिलिटेशन सेशन में हम सर्जरी से पहले ही पेशेंट की काउंसलिंग कर देते हैं, उसको एक्सरसाइजेस सिखा देते हैं। वो हम इसलिए सिखाते हैं कि जिससे पोस्ट ऑपरेटिव उसका जो कोऑपरेशन लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके, वो पेशेंट खुद से समझ सके कि हमें कैसे अपने लिम्फ को कैसे मैनेज करना है। अगर चांसेस है लिम्फ का तो हम उसको कैसे प्रिकॉशनरी हम टैकल कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन को हम डिवाइड करते हैं स्टेज 1 एक्सरसाइजेस में, स्टेज 2 एक्सरसाइजेस में एंड स्टेज 3 एक्सरसाइजेस में। स्टेज 1 एक्सरसाइजेस हम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज में ही स्टार्ट कर देते हैं जब ड्रेन होते हैं। स्टेज 2 एक्सरसाइजेस में हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 1 वीक ऑफ सर्जरी, जब ड्रेन और स्टिच रिमूव किए जाते हैं। और स्टेज 3 एक्सरसाइजेस होती है जिसको हम मेंटेनेंस फेज कहते हैं। तो स्टेज 1 एक्सरसाइजेस की बात करें, स्टेज 1 एक्सरसाइजेस हमेशा बहुत जेंटल होनी चाहिए एंड इट कैन बी डन इमीडिएटली आप पोस्ट ऑपरेटिव फेज एट द पीओडी लेवल 1, जिसको हम कहते हैं आज सर्जरी हुई है तो कल से हम एक्सरसाइजेस उनकी शुरू कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा तो वो हम स्ट्रेच इट इज वेरी मच नॉर्मल, बट वो स्ट्रेच इतना तेज नहीं होना चाहिए कि उससे ड्रेन का अमाउंट इंक्रीज हो और जिससे उसके स्टिचेस पे फर्क पड़े। तो हम 3 से 4 बारी कर सकते हैं। स्टेज 1 एक्सरसाइजेस में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सबसे पहले हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमसे खुद पूछते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का लिम्फ से क्या रिलेशन है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे जो सेंट्रल लिम्फ चैनल होता है उनको ओपन कर देता है। सो इट इज वेरी मच रिकमेंडेड टू डन डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस थ्रूआउट देयर लाइफ टाइम। एंड सेकेंड एक्सरसाइजेस की बात करें तो दे कैन डू पंपिंग मूवमेंट्स ऑफ हैंड, दे कैन डू शोल्डर अबडक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन, जिसको शोल्डर अबडक्शन को हम कहते हैं जो साइड से हम हाथ को ऊपर लेके जाते हैं। अगर हम आगे से लेके जाए हाथ को ऊपर तो उसको हम शोल्डर फ्लेक्शन कहते हैं। और जैसे हो गए फ्री हम मूवमेंट कर सकते हैं एल्बो की और हैंड की भी कर सकते हैं। अब हम किस रेंज तक कर सकते हैं इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक्सरसाइजेस हम सर्जरी के बाद अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया तो हमारे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, बट स्टिल वी कीप इट बिटवीन 90 to 120 degrees। बट अगर कुछ ग्राफ दिए गए हैं, हमेशा अगर फ्री प्लैट लिया गया है तो हम प्रिकॉशनरी बहुत ध्यान रखते हैं, या तो एक्सरसाइजेस ना कराई जाए पोस्ट ऑप, और अगर कराई भी जा रही है तो बहुत ही कम डिग्री तक लेके जाए। जैसे अगर हम लैटिस में डोसे फ्लैप की बात करते हैं, लैटिस में डोसे फ्लैप को बहुत ही जेंटल तरीके से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो नोट गो बियॉन्ड 60 degrees। और फ्री फ्लैप में और ज्यादा प्रिकॉशन लेने हैं। और टिश्यू एक्सपेंडर की बात करें, पेडिकल फ्लैप ट्रैम की बात करें, तो उसमें हम 90 degrees तक लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी होगी रेंजेस। रेंजेस हम कहते हैं 90 degrees, जैसे हम हाथ को आगे की तरफ उठाते हैं तो हम कितना आगे की तरफ उठा सकते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 60 degrees, 90 degrees, 120 degrees। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। स्टेज 2 एक्सरसाइजेस की बात करें, स्टेज 2 एक्सरसाइजेस ब्रेन रिमूवल के बाद की जाती है। हमें ध्यान देना है कि उनका जो फुल रेंज है, तो हाथ पूरा का पूरा ऊपर उठ जाना चाहिए, थोड़ा दर्द भी हो तब भी हम हाथ को ऊपर उठा सकते हैं ब्रेन रिमूवल के बाद। तो इसमें हम वेट उठाने के लिए मना करते हैं पेशेंट को, तो इसमें हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, टॉवल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं पेशेंट्स को, एंड देन हम उनको बैंड एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। बैंड एक्सरसाइजेस एक मतलब कुछ भी हम एक सपोज करो एक रोड पकड़ के हमें उसको ऊपर की तरफ सामने की तरफ लेके जाना है, तो इसको हम कहते हैं शोल्डर फ्लेक्शन कहते हैं, बट हम इसको नाम देते हैं बैंड एक्सरसाइजेस का, वो पूरा रेंज अचीव करते हैं। ट्रेपेजियस स्ट्रेच हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं एंड देन हम उसमें शोल्डर स्ट्रगिंग हो गया, शोल्डर रोटेशंस हो गया, वी कैन स्टार्ट दीज एक्टिविटीज एंड देन बॉल स्लाइड्स वी कैन स्टार्ट। बॉल स्लाइड्स में हमें एक असिस्टेंस मिलता है बॉल का। तो बॉल में अगर हम साइड से करते हैं, तो जैसे पहले मैंने बताया कि साइड वाली मूवमेंट को हम अब दीवार की हेल्प लेते हैं, तो दीवार से हम उसको मदद से हम ऊपर तक लेके जा सकते हैं, तो वी कैन फील द स्ट्रेच अगर हम अबडक्शन की बात करें। सेम वैसे अगर हम फ्लेक्शन करते हैं तो हम दीवार की सहायता से उसको आगे की तरफ भी ले जा सकते हैं, जिसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेज 2 एक्सरसाइजेस।
स्टेज थ्री में हमें मेंटेन करना है, वी कैन स्टार्ट रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस एज वेल। तो एक्सरसाइज गाइडलाइंस की बात करें, am I audible? No. Yes, you are audible. हाँ जी मैम, अभी तक मैम प्रेजेंटेशन आई थिंक वो कंप्लीट हो, कल्पेश जी पंक्ति शुड आई स्टार्ट? यस 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 प्लीज। हाँ जी, एक बार प्रीवियस स्लाइड पे चले जाइए एक बारी। हाँ जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज गाइडलाइंस है, तो एक्सरसाइज गाइडलाइंस हमें हमेशा हम उसको फॉलो करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव फिजिकल थेरेपी जैसे पहले बताया कि एकदम फर्स्ट डे पे शुरू कर देनी चाहिए, तो आफ्टर वन वीक हम पोस्ट स्टेज टू एक्सरसाइजेस, हम एक्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करा सकते हैं स्टार्ट। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाइए। या तो पोजिशनिंग, तो सिटिंग और लाइंग फॉर टू लॉन्ग कुड इंक्रीज द रिस्क फॉर लिम्फेडेमा इन पीपल हु हैव इंपेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो हम उसमें रिकमेंड करते हैं, जैसे हमारा स्लीपिंग पोस्चर कैसा होगा, और पेशेंट अगर ज्यादा से ज्यादा देर तक लाइंग पोजीशन में है या एक ही सेम पोजीशन में है, तो वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज द स्लीपिंग पोस्चर व्हिच वी यूज टू रिकमेंड इन सुपाइन पोजीशन, इन साइड लाइन पोजीशन, एंड इफ पेशेंट इज सिटिंग ऑल्सो। सो दीज आर, अभी हम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज की बात करें कि अगर लिम्फेडेमा अगर सर्जरी होती है और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो पोजिशनिंग कितना फॉलो कर सकते हैं, इट कितना इजी आठ घंटे की नींद लेने वाला पेशेंट मेंटेन कर सकता है, दैट विल बी मोर देन एफिशिएंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, सो अगर अब लिम्फेडेमा हो जाए, लिम्फेडेमा अगर हो जाता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी करते हैं जिसको हम सीजीटी कहते हैं। हम इसको कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स डीकंजेस्टिव थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हमारा आता है एक तो मैनुअल लिम्फ ड्रेनेज, उसमें सेकंड हमारा आता है प्रिकॉशंस और इकोनॉमिक एडवाइसेज। जैसे हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, वैसे हम बात करते हैं मैनेजमेंट में भी। कंप्रेशन गारमेंट एंड एडवांस्ड न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी। सो एमएलडी की बात करें तो एमएलडी मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, सीडीटी में हमारा आ जाता है एमएलडी आ गया, प्रिकॉशंस हो गया, कंप्रेशन जी। यस सर, हेलो, हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। तो हमारे कॉन्टेक्शन सीडीटी के लिए हम सीडीटी किस किस में नहीं कर सकते, तो डीकम्प्रेसर इनसफिशियंसी हो तो हम उसमें सीडी करते, अगर पेशेंट ब्लड ना ले हम नहीं करते, कार्डियक एडिमा हो, कोई पेसमेकर हो, तो हम उसमें सीडीटी नहीं किया जाता। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ लोकल लिम्फेटिक सिस्टम सो दैट इट
biochemical metabolites and waste from the impaired tissue. तो अगर वहां पर कोई भी हमें लगता है कि वहां से नहीं हो पा रहा लिम्फैटिक ड्रेनेज, तो उसमें हम बहुत ऑफ प्रेशर लगाते हैं. सीजीटी में हमेशा है, तो वो चार जाती है, उसकी चार टेक्निक होती है. हम सबसे ज्यादा वाटर टेक्निक यूज करते हैं. तो वाटर टेक्निक में जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल. बट डिस्टल टू प्रॉक्सिमल की भी बात हम तब कहते हैं कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, पहले हमें सेंट्रल चैनल को क्लीन करना चाहिए. सेंट्रल तो ये हमारी टेक्निक्स है एमएलडी की, वाटर टेक्निक, कैशलेस मिस्ट टेक्निक, फील्ड है लेरिप टेक्निक. तो हम ज्यादा यूज करते हैं वाटर टेक्निक में, हम ये यूज करते हैं कि डिस्टल टू प्रॉक्सिमल प्रेशर लगाना है, तो वी कैन ड्रेन दैट अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो हमें सबसे पहले सेंट्रल चैनल ओपन करने होते हैं. सेंट्रल चैनल ओपन हमेशा सीजीटी स्टार्ट करने से पहले हम एक्रोमेटिक एक्सरसाइज जरूर स्टार्ट करते हैं. उसके बाद इसमें बैंडेजिंग बहुत जरूर होता है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज देने के बाद. तो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज हमेशा के हमेशा सबसे पहले सेंट्रल चैनल ओपन करना है. तो टुवर्ड्स द ब्रेस्ट टिश्यू ऑल्सो वी नीड टू मोबिलाइज एंड वी नीड टू Next slide, please. Yeah, so exercises. So exercises it has to be individualized based. अगर lymphedema होता है तो उसके लिए हम एक सेल्फ लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारा हम एक पैम्फलेट भी देते हैं पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में. तो उसमें हम एक्सरसाइजेस सिखाते हैं. तो उन एक्सरसाइजेस को पेशेंट को फॉलो करना होता है 5 से 8 बार एक दिन में. एक्सरसाइजेस साथ साथ करनी होती है अगर लिम्फेडिमा हो भी गए. एक्सरसाइजेस हमेशा कंप्रेशन स्ट्रोकिंग उतार के करनी चाहिए. कंप्रेशन स्ट्रोकिंग हम बोलते हैं जब पेशेंट वर्किंग कंडीशन में है. अगर पेशेंट काम कर रहा है या कुछ एक्टिविटीज कर रहा है तो उस समय उसको स्ट्रोकिंग पहननी चाहिए. जब वो पेशेंट रेस्ट कर रहा है तो हम स्ट्रोकिंग मना करते हैं. कंप्रेशन स्ट्रोकिंग कंप्रेशन बैंडेजेस में फर्क होता है. बैंडेजेस इट हैज टू बी डन बाय द थेरेपिस्ट. जो स्ट्रोकिंग होती है वो कस्टमाइज बेस बनाई जाती है, वो इसलिए बनाई जाती है सो दैट पेशेंट कैन वियर दैट. तो हमेशा बैंडेजेस जब हम देते हैं पेशेंट्स को वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अराउंड 24 घंटे के लिए. थेरेपिस्ट ही उसको बांधता है, थेरेपिस्ट ही उसको उतारता है. तो बैंडेजेस हमेशा बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है. उस लेयर के थ्रू बैंडेजिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द लिम्फेडिमा. एक न्यूमेटिक कंप्रेशन की बात करें जिसको हम एडवांस न्यू जनरेशन न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी कहते हैं. इस सीजीटी के साथ देखा गया है कि अगर हम लिम्फा प्रेस भी लगाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है. कुछ स्टडीज कहती है कि इट इज हेल्पफुल एंड कुछ स्टडीज कहते हैं इट हैज नो इफेक्ट. बट डिपेंड करता है कि आपकी जो लिम्फा प्रेस मशीन है वो कितने चैम्बर की है. ये बहुत सारे चैम्बर्स में आती है, 4 चैम्बर में आती है, 6 चैम्बर में, 8 चैम्बर में, 12 चैम्बर में. हम अक्सर पेशेंट को जो देते हैं वो 12 चैम्बर की मशीन देते हैं. 12 चैम्बर का मतलब होता है कि पेशेंट को 12 सेगमेंट्स में प्रेशर दिया जाता है. तो ये जो प्रेशर दिया जाता है वो हम मेंटेन करके रखते हैं 60 से 180 mmHg के mmHg के बीच में. जो मगर रेंज होती है वो 20 से 180 mmHg की होती है. तो ये प्रेशर कैसे देते हैं वो डिपेंड होता है पेशेंट टू पेशेंट पे. तो उसके हिसाब से वी नीड टू गिव लिम्फा प्रेस फॉर 7 to 10 सेशंस. तो ये देखा गया कि जो पेशेंट्स लिम्फा प्रेस लेते हैं साथ में सीजीटी लेते हैं तो विद इन 7 डेज Stage 2 Stage 1 लिम्फेडिमा कैन बी मैनेज वेरी इजी. बट हाँ, अगर Stage 3 तक पहुंच गया, एलिफेंटियासिस स्टेज पे पहुंच गया, तो देर इज अ रोल ऑफ प्लास्टिक सर्जन टू इंटरवीन. तो डिपेंड करता है कौन सी टेक्निक सीजीटी की क्या कर रही है. जैसे अगर हम बात करें स्टॉकिंग्स की, तो स्टॉकिंग्स जो है वो सिर्फ मेंटेन कर सकता है फ्लूइड को. वो मेंटेन कर सकता है कि आपकी लिम्फेडिमा बढ़े ना. बट अगर आप स्टॉकिंग्स ले रहे हैं तो साथ में मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज की बहुत जरूरत है, जिसको हम एलडी टेक्निक कहते हैं.
और साथ में कंपनी बैंडेज बहुत जरूरत है, जिसको हम एक कहते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जो बाहर अवेलेबल होती है उसे कहते हैं लिम्फेडिमा किट। तो लिम्फेडिमा किट में बैंडेजेस अवेलेबल होती है, वो हम अक्सर पेशेंट को सिखा देते हैं। तो जो मेन क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट के वो ये होते हैं कि ये प्रैक्टिकल कितने हैं। अगर आज हम थेरेपिस्ट खुद बोले कि आप डेली आइए, डेली हम आपको बैंडेजिंग पहनाएंगे, अगले दिन उतारेंगे, तो इट्स नॉट क्वाइट ईजी फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज द न्यूमेटिक कंप्रेशन मशीन। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। So, as we all know, lymphedema is a devastating complication of cancer treatment. So, as the etiology of this disorder remains unknown, so lack of research and guidelines and gaps in the knowledge leads to adaptation of older prevention strategies. So, individualized risk reduction behavior plan for each patient depend upon the surgery contributes to a safer and effective prevention strategy. So, timely education of patient and family members regarding surgical complications and self technique should be incorporated. Thank you. Next slide, please.